दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की। शिवसेना के पदाधिकारियों पर लड़ीवार तरीके से हो रहे हमलों के चलते शिवसेना द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शिवसेना के दीपक शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ समय से शिवसेना के वर्करों पर लगातार एक के बाद एक जानलेवा हमले हो रहे हैं। बीते दिनों भी शिवसेना के जिला प्रधान सुभाष गोरिया के दफ्तर को कुछ शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। आप पार्टी ने बहुत ही सुचारू तरीके जमीनी पत्थर के ऊपर एक पंजाब जिमें पार्टी का काम कर रहे हैं और पंजाब के अमन शांति वास्ते भी काम कर रहे हैं, समाज वास्ते भी काम कर रहे हैं और शिवसेना जी है बहुत वधिया तरीके समाज के जिन्हें भी वर्ग ने उन्होंने बहुत वधिया तरीके शिवसेना की विचारधारा और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा लोगों अपने नाल जोड़ रहे हैं। लोगों को शिवसेना की नीतियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, शिवसेना की विचारधारा लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। हिंदू सिख एकता मजबूत करने लई पंजाब प्रमुख मानयोग श्री जोगराज शर्मा जी वालों 1 अप्रैल 2014 नूं एक मुहिम छड़ी गई, जिस दे तहत सैकड़े लोग जलंधर तो ही शिवसेना की विचारधारा नाल जुड़े शरारती अंसरां ने जलंधर के शिवसेना के करियाले नूं अग ला दी, जिस विच बाला साहब ठाकरे की तस्वीर और होर भी दस्तावेज पार्टी के जो जल के सुआह हो गए, जिसकी शिकायत मौके पर ही असी जलंधर के कमिश्नर साहब नूं दित्ती। उन्होंने यह मामला DCP SK शर्मा नूं दित्ता, उन्होंने यह मामला ACP रविंद्रपाल संधू नूं दित्ता, जिन्होंने थाना नंबर 4 दे विच SHO परमजीत दे द्वारा FIR दर्ज की गई। FIR धारा 295 436 ते 427 लगा दी गई, पर अजे तक समाज विरोधी अंसरां नूं काबू करन विच पुलिस